तो फाइनली दोस्तों टाइम आ चुका है बोट वर्सेस बोट करने का। ये है बोट का ओरियन 160 वॉट और ये है भाई 1550 प्रो नया मॉडल है, जो ये भी 160 वॉट का है। लेकिन आज तुम भाई डिफरेंस सुनना दोनों में कितना है। इनके मतलब बोट वालों का सिस्टम ये है 160 वॉट 160 वॉट, लेकिन लाउडनेस में फ़र्क सुनना तुम। और भाई अपना पुराना डब्बा, इसको इग्नोर कर सकते हैं। और भाई ये अपना टीवी है, आज इसमें चलेगा ठीक है। जो स्टार्टिंग का टेस्ट होगा वो एक ना 3 मिनट की क्लिप बना रखी है मैंने, ऑडियो क्लिप है, वो चला के लगातार चलता रहेगा, उससे पता लगेगा। और भाई मैंने बहुत ट्राई करी, मतलब मैंने ना कम से कम 7-8 बार ही ट्राई करी बॉलीवुड के अलग अलग गाने स्लो वो करके, भाई वो हर वीडियो में कॉपीराइट क्लेम है। और तुम्हें बताया कॉपीराइट क्लेम लगने के बाद रिवेन्यू नहीं मिलेगा, तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं है ठीक है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। वॉल्यूम रहेगी अपनी पहले 15 पे 50%, तो भाई ये वॉल्यूम है अभी 15 पे। इस बार साउंड कंपैरिजन है साइड बाय साइड नहीं ठीक है, पहले ओरियन 160 वॉट चलेगा, उसके बाद मैं बोट का 1550 प्रो चलाऊंगा उसके बाद ठीक है। और भाई ये इस बार जो एरिया है ना, ये बड़ा एरिया है हमारे इसमें, और ये है भाई 12x14 ठीक है, तो ये अपने रूम से बड़ा एरिया है। वॉल्यूम ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि ठीक है, मतलब जैसे अगर देखा जाए जितना एरिया ही किसी का रूम बड़ा हो। तो भाई ये इतना था ठीक है, अब हमने इसकी वॉल्यूम रेज करते हैं 25 पे ठीक है, 25 कर दी मैंने। काफी एक अच्छी लाउडनेस है। तो भाई ये तो हो गया अपने म्यूजिक टेस्ट, अब एक बार ना मूवी भी चलाते हैं कुछ। तो भाई जैसे अब देख सकते हैं हमने मूवी लगाई है, और हम इसमें देखेंगे भाई इसकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है और अपनी साउंड सेपरेशन कैसी है। तो भाई जैसे ये अपनी मूवी होगी, फिर हेरा फेरी। साउंड मेरे को भाई सच्ची बताऊंगा अच्छी लगी, कह सकते हैं एक्शन मूवी, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो भाई अपने हमने ये भी सुन लिया ठीक है, और मेरे को तो भाई सही बताऊं अच्छा लगा ये। और अब कंपेयर करते हैं अपने 1550 प्रो से, अब मैं उसको कनेक्ट करूंगा ठीक है, तो अब उसमें सुनेंगे सेम चीज़ें हम। तो भाई आप देख सकते हैं अब मैंने 1550 प्रो को कनेक्ट कर लिया, ये देखो भाई कनेक्ट है अपना, और ये वूफर भाई से, भाई इसका वूफर देख के ना मज़ा ही आ जाता है, मतलब बहुत ही बढ़िया लुक्स बना रखे हैं। पहले तो इसको अपने पीसी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई फाइनली अपना टेस्ट अब चालू करते हैं, चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में वापस, तो यहाँ से पता लगेगा सेम वही स्टाइल रहेगा, 15 पे वॉल्यूम है अभी, तो उस पर चलाते हैं।
तो भाई अब अपना टाइम आ गया है इसको 25 पे करने का। आई होप आपको दिख रहा होगा कैमरे में कि 25 पे वॉल्यूम चली गई। तो भाई ये गाना अल्टीमेट गाना है, ठीक है, और ये ना फुल कंफर्मेशन कर देता कि हाँ भाई ये चलेगा, मतलब फुल वॉल्यूम निखर के आती है इससे एकदम। यार बस ये डर ना जाए, पहले थोड़ा ये वाला गाना वापस प्ले करके। तो भाई अब मैं बताता हूँ आपको कि 1515 प्रो भाई बेस और एंड 160 वाट से थोड़ी कम है, लेकिन जो बैलेंस साउंड है ना इनकी भाई बहुत ही बढ़िया है, कसम से बहुत ही अच्छी साउंड है। बात तो सही है। मैंने पहले भाई मेरे को थंप के बाद ये वाला साउंड बार अच्छा लगा है बोट का, और एंड भी अच्छा है, लेकिन इसकी बेस समझ रहे हो ना, मतलब साउंड बार की वॉल्यूम थोड़ी कम है, बेस की कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा है। मैंने आपको उस अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको। और ये लुक्स तो यार बस पूछो ही मत भाई, लुक्स तो इसकी खा जाती हैं। तो भाई फिर से अपना एक मूवी का ट्रेलर चलाते हैं, ट्रेलर नहीं मूवी चलाते हैं। साले को छोड़ूंगा नहीं। ₹150 देगा। तो भाई अब मैं बताता हूँ तुम्हें एक खतरनाक बात, इतनी बढ़िया साउंड लगी ना मेरे को 1550 प्रो की, मतलब तुम सोच सकते हो, मैं मतलब पहली बार नहीं दूसरी बार कि गो वाले को टक्कर आ रही है, टक्कर मिल रही है। लेकिन भाई वो जो गो वाला तो भाई धज्जियाँ उड़ा देता है जब वो अपनी 25 पे आता है, वो तो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है और हर चीज़ में लाउड होता है, बेस और साउंड बार में सब में बराबर हो जाता है। लेकिन भाई जिसको बोट पसंद है वो ये खरीद सकता है, और ऑरायन के बदले ये खरीद सकता है भाई, क्योंकि मेरे को तो भाई से बता रहा हूँ मेरे को ज़्यादा पसंद 1550 प्रो है। और ऑरायन वाला भी अच्छा है, लेकिन भाई 1550 प्रो तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। और भाई एक बंदा बोल रहा था, क्या नाम था, ऑफिशियल कुछ करके, भाई इतना भोंक के गया था कमेंट सेक्शन में कि पूरा गाना प्ले नहीं करता। उसे बोल भाई तू थोड़ा चू है क्या, मतलब तेरे चक्कर में इधर को एक गाना पूरा सुनाने के चक्कर में हम कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक ले लें, है ना। तभी मैं बोलता हूँ भाई, मतलब ऐसे ऐसे बंदों के लिए बोल रहा हूँ मैं भाई, ऐसे बंदों के लिए ना मैं एक बात बोलूँगा, जो फालतू बोलते हैं उनको बोलता हूँ पढ़ लिख लिया करो, ठीक है, दुखी ना खुद दुखी हो, ना दूसरे को दुखी करो, ना अपने माँ बाप को दुखी करो। तो एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।